हेलो दोस्तों, आई एम रवि दोनों यू बजे ऑटो स्पेंड का। भाई सामान में हमारी गाड़ी खड़ी है, ये है XUV का नया लॉन्च मॉडल 700 का एंड X5 सिलेक्ट। अब जो X5 था उससे नीचे प्लेस किया गया है, उसमें क्या कुछ फीचर मिलने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे, क्या डिफरेंस है। हालांकि X5 से सिलेक्ट में क्या कम किए गए, प्राइस 1.5 लाख तक कम किया गया है और उसमें क्या चीज़ें हटाई गई हैं। सबसे पहले फ्रंट कंप्लीट सही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन दिया है, LED नहीं मिलेगा इस तरह से। बाकी आपको DRLs मिल जाएंगे LED में और टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएंगे यहीं पे, बट आपको LED नहीं मिलेंगे, हेलोजन मिलेंगे। फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट सेम है जैसा कि था, और सेंसर वगैरह नहीं मिलेंगे इसमें फ्रंट में, ना ही रडार मिलेगा। साइड प्रोफाइल की बात करूँ, साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स निकाल दिए हैं, जो कि रिम व्हील लगा दिए हैं, जो कि 17 इंच के टायर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये गाड़ी की लेंथ मिल जाएगी, और भी और कोई भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपको सनरूफ प्रोवाइड कर दिया है, पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट में, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ORVM पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल दोनों हैं। बाकी गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम रहने वाला है आउटर से, कुछ इस तरह से एंट्रा मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं। बैक पर बात करें, X5 की बैचिंग मिल जाती है, S की बैचिंग नहीं है, X5 का मिलेगा 700 और B-Rear कैमरा भी अवेलेबल नहीं है, आपको अपने मार के लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं, दो हैं, और LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं। जो लाइट्स का सेटअप है, जो LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं कंप्लीट। यहाँ पे एक हेलोजन दिया है, यहाँ पे लोगो मिल जाता है, बाइक पर डिफो पर सब वॉशर वगैरह मिल जाता है एंड साथ में एंटीना। तो ये ओवरऑल एक्सटीरियर लुक है पीछे से। बैक प्रोफाइल तो आउटर से ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इतने चेंजेस मिलने वाले हैं आउटर से, क्योंकि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बाजू में ही खड़ा है। ये देखिए यहाँ पे, ये ब्लैक कलर में, और इस कलर की बात करें तो ये नेबुला ब्लू है, मिड नाइट ब्लैक बोलते हैं इसको महिंद्रा। तो इस तरह से आपको ओवरऑल साइड प्रोफाइल और फ्रंट आउटर गाड़ी का रहने वाला है कम्प्लीट। वन फ्रेम में देखें तो कुछ इस तरह से लगती है ये, हालांकि नज़र नहीं आता है, ये मिड नाइट ब्लैक है जो थोड़ा ब्लूइश कलर है, और सामने वो दूसरा खड़ा है वो आपको कम्प्लीट ब्लैक रहने वाला है कुछ इस तरह से। एंड एक चीज़ अच्छी है कि आपको चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही है। और अब ये गाड़ी क्रेटा के प्राइस में मिलने वाली 7 सीटर, कंप्लीट 7 सीटर पावरफुल इंजन के साथ में बड़ी गाड़ी। अगर आप क्रेटा का मन बना रहे हो तो एक बार ज़रूर ये गाड़ी देखना, क्योंकि बहुत ही सही है और बहुत बेहतरीन पैकेज ऑफर करती है अपने सेगमेंट में। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, चेकआउट करते हैं इंटीरियर किस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पे पावर विंडो मिल जाते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टचिंग नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्लास्टिक है, और होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, वाटर होल्डर मिल जाता है। अंदर बात करें, सीट का एडजस्टेबल मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल बेड, रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, सीट यहाँ फैब्रिक में ही रहने वाला है, और सीटिंग का कुशन और सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। चलते हैं इसके अंदर। अब चाबी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टाफ जो है अभी गया हुआ है लंच पे, तो चाबी अवेलेबल नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही टच डिस्प्ले मिल जाते हैं, जो कि 10 इंच के हैं, जिस बहुत ही लग्जरी फील होता है, और कमांडिंग व्यू आता है, काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील पे आपको यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वो सब नहीं मिलेंगे, ये वन साइड ही मिलेंगे, सिर्फ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, और स्टीयरिंग लेदर रैप भी नहीं है, यहाँ पे लोगो मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले को सपोर्ट करता है, सब कुछ मिल जाएगा कंप्लीट आपको। यहाँ पे डेड पेडल दिया है, और ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे क्लच और ब्रेक दो चीज़ें। तो यहाँ पे आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक है, ये डीजल वेरिएंट है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और इस तरह से डैशबोर्ड रहने वाला डुअल टोन में कंप्लीट। हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे वाटर होल्डर, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे कुछ रख भी सकते हो। और यहाँ पे ये प्लास्टिक का ही है, कोई भी रैप वगैरह नहीं है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको मैनुअल IRB मिल जाता है, अब सनग्लास होल्डर, लाइट, और ये मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ। अब ये चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है, जो कि पहले नहीं आती थी इस वेरिएंट में, क्योंकि कंफर्टेबल बनाने के लिए और वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए कुछ लोगों को सनरूफ चाहिए, तो अभी कम प्राइस में भी ले सकता है। तो अभी X5 से पहले स्टार्ट होता था, अब X5S से स्टार्ट हो जाती है सनरूफ। 6 एयरबैग मिल जाते हैं, सेफ्टी में बहुत ही लाजवाब गाड़ी है, कोई भी सेफ्टी में तोड़ है नहीं इस गाड़ी का, और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, कोई भी वेरिएंट में उठा के देखते हो आप, तो कम्प्लीटली कम्प्लीट पैकेज बन जाता है
अभी ये गाड़ी की रियर प्रोफाइल में चेकआउट करते हैं। रियर की प्रोफाइल, फ्रंट में आपको इतना ही चेंजेस मिलने वाला है। यहाँ पे टेक्सचर है थोड़ा, देख सकते हो, और ये आपको ग्लॉसी मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे। सीटिंग कंफर्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। अंडर थाई सपोर्ट सीटिंग बहुत ही चौड़े हैं, तो अच्छे खासे, जिसकी फिजिक्स ज़्यादा भी होगी तो उसको भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड हाइट वेथ भी काफ़ी गाड़ी की अच्छी है। सीटिंग का पोस्चर जो है बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि देख सकते हो मैं एकदम से फिट हुआ हूँ, अच्छे से आ रहा है कम्प्लीट। यहाँ पर ग्लॉस मिल जाता है कम्प्लीट किस तरह से, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी डीप है और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, कुछ इस तरह से। ट्विटर मिल जाते हैं एंड स्पीकर मिल जाते हैं, चार स्पीकर मिल जाते हैं दो ट्विटर्स के साथ में। एंड एड्रेनो एक्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस वेरिएंट से, पहले एक्स फाइव से होता था, अभी यहाँ से आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से कम्प्लीट एयर रहने वाला है। यहाँ पर वाइपर और डिप हेडलाइट लेबलर मिल जाता है कम्प्लीट एडजस्ट करने के लिए। तो चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में चेकआउट करते हैं। रियर की बैक डोर की बात करें, यहाँ पे पावर विंडो मिल जाता है, और ये नॉर्मल प्लास्टिक ही है सब। यहाँ पे बोटल मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अब ये सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया था, हालांकि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं, 5'5" है। तो उसके बाद मेरे मुझे ये देखिए कितना ज़बरदस्त लेग्स स्पेस मिल रहा है। कोई लंबा आदमी भी होगा तो उसको भी अच्छे से बैठ सकता है। सनरूफ मिल जाती है जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छा फील आता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट सर पीछे के लिए एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे या चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि इसी टाइप है, और यहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हो पीछे। हालांकि पॉकेट वगैरह कुछ प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि इस तरह से दो कप होल्डर के साथ में आता है, और 60-40 स्प्लिट के साथ में सीट आती है देख सकते हो, और 3-point सीट बेल्ट आ जाता है आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक के साथ में। तो कुछ इस तरह से कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हेडरूम भी, तो कोई भी शिकायत नहीं है। सेकंड रो से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी की बेड बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। चलते हैं इसके थर्ड रो में, चेकआउट करते हैं थर्ड रो। यहाँ पे दो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं, एक फिक्स दिया है सेंटर के लिए, कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। चलते हैं इसके थर्ड रो में, चेकआउट करते हैं थर्ड रो। थर्ड रो को एसेस करने के लिए आपको ये लीवर दिया है, ये पुल करोगे तो ऑटोमेटिक ये सीट पूरी टम्बल डाउन हो जाएगी। चलते हैं अंदर और चेकआउट करते हैं थर्ड रो। अब ये सीट एडजस्ट थी, मैंने मेरे हिसाब से किया था, हालांकि इसमें आगे नहीं कर सकते हो, बट मेरे हाइट का जो बंदा है वो आराम से अच्छी खासी ट्रैवल कर सकता है यहाँ बैठ के। सीट को अगर रिक्लाइन और कर देंगे तो दिक्कत आएगी, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो देख सकते हो कुछ, हालांकि ज़्यादा हाइटेड वाले लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत और कंजेशन लगेगा। यहाँ पे एसी के ब्लोअर भी है, यहाँ पे कंट्रोलर भी है, बॉटल होल्डर एंड चार्जिंग सॉकेट, अच्छे खासे प्रोविजन यहाँ पे दिए हैं। स्पीकर भी दिख रहा है वहाँ पे, तो एसी का प्रोविज़न यहाँ पे दिया जो कि काफ़ी सही है, और इस थर्ड रो पे एसी का प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इस तरह से देख सकते हो, ये पूरा व्यू आता है अंदर लास्ट रो में बैठकर। यहाँ पे ग्रेव हैंडल भी दिया है, तीनों ही रो में प्रोवाइड किए गए हैं, तो बहुत ही सही है। सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे भी हैं, तो आप इस तरह से आराम से बैठ सकते हो। कुछ ये ऐसे, ये देखिए लगे टच हो रहा है नीचे से, बट मैं अच्छा खासा ट्रैवल 200-400 किलोमीटर आराम से इस गाड़ी में कर सकता हूँ, नो डाउट। यहाँ पे कप होल्डर भी दिया है, और छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखकर किया गया है जो कि काफ़ी सही लगता है और अच्छा है। आपको वही मिलता है 2200 cc का, जो कि 182 bhp के बराबर 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। काफ़ी ज़्यादा इंसुलेट किया गया है, काफ़ी अच्छे से डिजाइंड है, बेल बैग्ड है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, बोनट काफ़ी हैवी है, तो पावरफुल गाड़ी है। और इसके माइलेज की बात करो तो ये गाड़ी कम से कम आपको 17-18 माइलेज कंपनी क्लेम करती है, बट आपको आराम से हाईवे पे 15-16-17 तक आराम से दे सकती है, भी काफ़ी अच्छा है। और रिफाइंड इंजन है, पावरफुल है, क्योंकि इस सेगमेंट में इतना पावरफुल इंजन किसी के पास भी नहीं है, कोई भी गाड़ी के पास। और इस गाड़ी की प्राइस की बात करो तो 17-17.5 लाख रुपये एक शोरूम में, ऑन रोड आपको लगभग 20 लाख पड़ेगा, वेरी करेगा आपके स्टेट वाइज और RTO के चार्जेस के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।